नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कचहरी रोड पर सड़क किनारे खड़े होते हैं हजारों वाहन, नहीं है पार्किंग की कोई व्यवस्था। कानपुर में वीआईपी रोड में वकील और ट्रैफिक सिपाही के बीच हुई झड़प के बाद जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो सड़क किनारे 650 चार पहिया वाहन और लगभग 4000 दो पहिया वाहन खड़े दिखाई दिए। ऐसे ही रोजाना कई हजार वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। वीआईपी रोड पर मंगलवार को यातायात सिपाही के साथ मारपीट की घटना हुई। वकीलों के द्वारा एक महीने में यातायात कर्मियों के साथ मारपीट की यह दूसरी घटना है। असल में वाहनों की अधिकता और पार्किंग के न होने से कचहरी और कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाले यह दोनों मार्ग और सरसैया घाट मार्ग पर सड़क किनारे केवल वाहन ही खड़े होते हैं। यही वाहन जाम का सबब बनते हैं, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब तक कोई बड़ी पहल नहीं हुई। इस समस्या के लिए तंत्र बेबस है क्योंकि इंतजाम नाकाफी है। हाल ही में नई पार्किंग के निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। ऐसे में जब दैनिक जागरण की टीम ने पड़ताल की तो पूरे कचहरी क्षेत्र में सड़क किनारे करीब 650 चार पहिया और 4000 दो पहिया वाहन खड़े मिले। पार्किंग के इंतजाम कचहरी और कलेक्ट्रेट के अलावा इस क्षेत्र में पुलिस आयुक्त कार्यालय है, जहां दिन भर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर पार्किंग की बात करें तो पुलिस आयुक्त कार्यालय में अंदर करीब 150 बाइकें और 20 कारें खड़ी होने का स्थान है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट व कचहरी के अंदर विषम परिस्थितियों में 500 से 700 बाइकें और करीब 50 से 60 चारपहिया वाहन खड़े होते हैं। इसके अलावा जो भी वाहन आते हैं वह सुविधा अनुसार सड़क के किनारे खड़े होते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 348 चारपहिया वाहन और 176 दोपहिया वाहनों की पार्किंग के निर्माण का काम शुरू हुआ है, मगर जहां सैकड़ों का इंतजाम होना हो वहां यह संख्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। वीआईपी रोड, कचहरी रोड और सरसैया घाट रोड पर पार्किंग के चलते जाम लगता है। यह गंभीर समस्या है। सभी संबंधित पक्ष एक साथ बैठकर हल निकालें और अनुशासन में रहें, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। जल्द ही इस समस्या पर सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श होगा। आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त, हाईवे के अंडरपास पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। वाहन सवारों की जल्दबाजी से आए दिन चौराहों और हाईवे के अंडरपास पर जाम लग रहा है। बुधवार सुबह भी बर्रा 8 में हाईवे के अंडरपास में इसी जल्दबाजी के बीच जाम लगा तो 108 एम्बुलेंस फंस गई। वहीं कुछ लोग एम्बुलेंस को निकलवाने की जगह खुद भी बाइक से वीडियो बनाते रहे। करीब 20 मिनट बाद दो पुलिसकर्मी पहुंचे और जाम खुलवाकर एम्बुलेंस निकलवाई।